हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं रीट एसेस में यूनिट थर्ड का टॉपिक मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दशा जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मुगलकालीन स्थापत्य पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे मुग़लकालीन चित्रकला तो आइए स्टार्ट करते हैं मुगल काल में पहला शासक कौन था बाबर था और बाबर के समय जो पहला चित्रकार भारत आया था वो कौन था वो फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था बिहिजाद जिसे पूर्व का रेफेल भी कहा जाता था और ये बाबर के समय ही भारत आया था तुजुक ए बाबरी में एकमात्र चित्रकार बिहिजाद का ही नाम मिलता है बाबर की आत्मकथा है तुजुक बाबरी जिसमें एकमात्र चित्रकार का नाम मिलता है वो नाम किसका है बिहिजाद का ही नाम है जिसे क्या कहते हैं पूर्व का रेफेल भी कहा जाता है फिर इसके बाद आता है मुगल चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी याद रखना जो मुग़ल चित्रकला की नींव थी वो हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी हुमायूं अपने शासनकाल में मीर सैयद अली और समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त करता था मीर सैयद अली और समद ये कौन थे दोनों चित्रकार थे हुमायूं के शासनकाल में और इन दोनों ने ही मुग़ल चित्रकला का शुभारंभ किया था मीर सैयद अली जो था ये हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बिहिजाद का शिष्य था ये आपको बताया था पुरु का रेफेल कहा जाता था बिहजाद को और इस बिहिजाद का शिष्य कौन था मीर सैयद अली अब्दुल समद ने जो कृतियाँ तैयार की थी उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित हैं याद रखेगा अब्दुल समद जो चित्रकार था उसने जो कृतियाँ या कृति तैयार की उसमें से कुछ रचनाएं या चित्रकार चित्र जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित हैं मुगल चित्रशाला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगलकालीन चित्र संग्रह कौन है हमजनामा है याद रखना मुग़ल चित्रशाला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगल कालीन चित्र संग्रह कौन सा है हमजनामा है और हमजनामा जो है दास्तान अमीर हमजा के नाम से भी फेमस है और इस हमजनामा में करीब बारह सौ चित्रों का संग्रह है और हमजनामा में लाल नीले पीले काशनी और काले रंग छपा के छपाके मिलते हैं हमजनामा को पूरा कराने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था याद रखिएगा मुगल काल में हमजनामा को पूर्ण कराने के लिए किसे पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था तो मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था मुल्ला अलाउद्दीन ने अपने ग्रंथ नफायसुल मासिर में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है नफाइजुल मासिर ग्रंथ है इसका मुल्ला अलाउद्दीन कजविनी का जिसमें इन्होंने हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है अब दूसरे शासक आते हैं अकबर अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया था अकबर द्वारा चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला गया था आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा पंद्रह प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं जिनमें कम से कम तेरह हिंदू चित्रकार थे अकबर के काल में याद रखिएगा तेरह हिंदू चित्रकार थे अकबर के काल में फिर इसके बाद अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन थे याद रखिएगा आप दसवंत बसावन महेश लाल मुकुंद सावरदास और अब्दुल समद ये किसके कलाकार चित्रकार थे अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में नामक एक और पांडुलिपि तैयार की गई थी और में में किसके चित्र मिलते हैं याद दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं दसवंत के जो चित्र हैं ये रजमनामा के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं मिलते हैं अकबर ने दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार कहा था तथा उसकी कृति रजमनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया था याद रखेगा दसवंत जो था अकबर द्वारा दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार बताया गया था और इसकी रचना जो थी रजमनामा इसे मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा था अब्दुल समद के राजदरबारी पुत्र जो थे मोहम्मद शरीफ इन्होंने रजमनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था अब्दुल समद के राजदरबारी पुत्र थे मोहम्मद शरीफ इन्होंने रजमनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था अबुल फजल द्वारा उल्लेखित चित्र कोशों में फारूक बेग को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने रजम नामा की पांडुलिपि को तैयार करने में सहयोग दिया था दसवंत बाद में मानसिक रोग से विक्षिप्त हो जाता है मानसिक रूप से और उसने पंद्रह में सुसाइड कर लिया था दसवंत की दो अन्य कृतियाँ भी मिलती हैं जिसमें है खानदानी तैमूरिया और तूतीनामा फिर इसके बाद दूसरा चित्रकार आता है बसावन बसावन जो था अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों में चित्रण में सिद्धस्थ था वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों में सिद्धस्त था और किसी भी प्रकार का चित्र वो बना सकता था और बसावन की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृष्ण का अर्थात दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र ये किसका चित्र है बसावन का चित्र है रजमनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्रित पांडुलिपि है रामायण और अकबरनामा अकबर नामा के चित्रों में पेड़ पौधों वन्य जीवों और भूदृश्यों का जीवंत चित्रण मिलता है और पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत भी अकबर के समय ही हुई थी याद रखना मुगल काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत कौन से शासक के समय हुई तो अकबर के समय हुई थी फिर इसके बाद आता है जहांगीर जहांगीर का, का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था जहांगीर द्वारा हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी किसके नेतृत्व में हेरात का चित्रकार था आकारिजा इसके नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला स्थापित की और जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु की चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र अर्थात व्यक्ति चित्र प्राकृतिक दृश्य और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों की परंपरा की शुरुआत हुई थी जहांगीर के काल के जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें थे फारूक बेग बिशनदास उस्ताद मंसूर दौलत मनोहर तथा अब्दुल हसन फारूक बेग जिसने अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था इसने जहांगीर के समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था तो याद रखिएगा आप कि जहांगीर के समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था तो फारूक बेग ने बनाया था दौलत जो था ये फारूक बेग का शिष्य था और दौलत ने जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिशनदास अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया था और साथ ही अपना भी एक छवि चित्र बनाया था। फिर इसके बाद मनोहर आया। मनोहर आया। कौन था यह बसावन का पुत्र था मनोहर जो था था। बसावन का पुत्र तुजू के जहांगीरी में मनोहर का नाम लेकिन नहीं मिलता है मनोहर ने अनेक शहजादों अमीरों और विदेशी राजदूतों का सामूहिक छवि चित्र बनाया था जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशन दास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था आपको याद रखना होगा कि खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था तो बिशन दास को भेजा था जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे यह आपको याद रखने पड़ेंगे उस्ताद मंसूर किसके काल में चित्रकार था यह चित्रकारों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कौन था किसके काल में था जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को असर तथा अबुल हसन को नादिर जमा की उपाधि दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना आया हुआ है एग्ज़ाम में कि उस्ताद मंसूर को नादिर तथा अबुल हसन को जमा की उपाधि दी थी किसने दी थी जहाँगीर ने उस्ताद मंसूर जो था यह प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था जबकि अबुल हसन कौन सा चित्रकार था व्यक्ति चित्रों में अबुल हसन को महारत हासिल थी उस्ताद मंसूर की कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है अब अपन आगे चलते हैं अबुल हसन अबुल हसन कौन था यह अकारीजा का पुत्र था और अबुल हसन ने तेरह वर्ष की आयु में ही सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पोल के तस्वीरों की एक नकल बनाई थी अबुल हसन की प्रमुख विशेषता क्या थी उसकी रंग योजना और अबुल हसन ने तुजु के जहागीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुजु के जहागी के मुख्य पृष्ठ के लिए किसने चित्र बनाया था तो अबुल हसन ने बनाया था अब आते हैं शाहजहाँ शाहजहाँ को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी फिर भी वो चित्रकला को आश्रय देता है शाहजहाँ के काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई विकास हुआ शाहजहाँ देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था और शाहजहाँ के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे फकीर उल्ला मीर हाशिम मुरार हुनर मोहम्मद नादिर अनूप और चित्रा प्रमुख चित्रकार थे शाहजहाँ का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है जिसमें शाहजहाँ को क्या करते हुए दिखाया गया है सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है अब आते हैं इसके बाद औरंगजेब पर औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध माना और चित्रकला को बंद करा दिया किंतु अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली मनुची लिखता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था याद रखिएगा किस लेखक के अनुसार औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था तो मनुची के अनुसार और अकबर के काल में चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ईरानी शैली के जो सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वर्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा जिससे चित्रों पर क्या आया प्रभाव आ गया जहांगीर के काल में शिकार युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों के अलावा व्यक्ति चित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों को बनाने में विशेष प्रगति हुई थी फिर इसके बाद आया मुगल कालीन चित्रकारों ने मुस्लिम धार्मिक गाथाओं पर भी चित्र बनाने में संकोच किया लेकिन हिंदू पौराणिक गाथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए गए अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है एक किसका कहना है अकबर का अकबर ने कहा है कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है फिर इसके बाद जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीर में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर वह जीवित व्यक्ति द्वारा मैं देखते ही यह तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की करती हैं इसी संबंध में पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतन उन्मुख हो गई जहांगीर के काल के बाद ही चित्रकला का हाँस होना शुरू हो गया था किसने लिखा है पर्सी ब्राउन ने यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में कौन सर्वश्रेष्ठ था मुगल काल में मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था यह आपका हो गया मुगलकालीन चित्रकला इसके बाद अपन मुगलकालीन संगीत और मुगल कालीन शिक्षा दोनों एक साथ कर लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत